एक्सेस प्रेशर पे ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक लिक्विड का ड्रॉप है या सोप का बबल है, तो हमने ये डिस्कशन की थी कि आपके पास एक लिक्विड का लेट अस सपोज ड्रॉप है, ये लो एक लिक्विड का ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप मींस अंदर इसके लिक्विड है और बाहर क्या है, एयर है। लिक्विड के ड्रॉप के इनसाइड प्रेशर होगा, ये प्रेशर है पी इनसाइड, और बाहर कौन सा प्रेशर होगा, पी एटमॉस्फेयर। तो अंदर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर, इनसाइड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा बड़ा होगा, और कितनी वैल्यू बड़ा होगा, 2 सिग्मा बाई कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ ड्रॉप। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये भूलना नहीं है। तो अंदर का प्रेशर, इनसाइड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा होगा बाई 2T/R या 2 सिग्मा/R, एक ही बात है। और अगर यही बबल हो, मान लो ये बबल है, बबल के इनसाइड भी एयर है एंड आउटसाइड भी एयर है, दोनों जगह एयर है, तो बबल के अंदर का प्रेशर बबल के बाहर के प्रेशर से हमेशा बड़ा होगा। तो बबल के इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर से बड़ा है, कितना, 4 सिग्मा/R, ये डिस्कस किया था। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो इस डिफरेंस को क्या बोलते थे, एक्सेस प्रेशर। ठीक, सपोज करो आपके पास फिर एक बबल है, लेकिन ये जो बबल है ये इस बार एयर में नहीं है, बबल लिक्विड में है, वाटर में है। तो बबल का प्रेशर इनसाइड का अब भी बड़ा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी बड़ा होगा। तो बबल का प्रेशर इनसाइड का बड़ा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाय अ वैल्यू ऑफ 2 सिग्मा/R। पर किसी ने बोला सर तो बबल है, और बबल में मैंने क्या याद करवाया था, आंसर 4 आता है, पर यहां पर 2 क्यों, क्योंकि एक फ्री सरफेस है, क्योंकि अंदर ही सरफेस टेंशन है, सिर्फ अंदर का एरिया इंक्रीज होगा, बाहर का इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन इस केस में अंदर का भी इंक्रीज होगा और बाहर का भी इंक्रीज होगा। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो 2 इंक्रीज इन एरिया है, इस वजह से आपका यहां रिजल्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 होगा और यहां पर 2 होगा। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, देखो प्रेशर को लेके इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिसमें वो आपको ये पूछेगा कि सपोज आपके पास एक एयर का बबल है और ये कहां पर है, एक लिक्विड के अंदर है। तो पूछेगा एक्सेस प्रेशर क्या है, एक्सेस प्रेशर को वो पी इनसाइड माइनस पी एटमॉस्फेयर नहीं दिखाएगा, एक्सेस प्रेशर को क्या दिखाएगा, पी, पी का मतलब है पी इनसाइड माइनस पी एटमॉस्फेयर। तो ये एक्सेस प्रेशर है, और एक्सेस प्रेशर किसके इक्वल है, 2 सिग्मा/R। उसी तरीके से अगर मान लो जहां जो पेपर में क्वेश्चन आया है वो ये आया है, अगर मान लो आपका जो बबल है वो कहां पर है, वो डेप्थ एच पे है, वो एच डेप्थ नीचे चला गया, और आपको बताना है कि इस बबल के अंदर कितना प्रेशर है, एयर का प्रेशर इनसाइड कितना है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर पानी का प्रेशर भी ऐड हो जाएगा एच रोजी, क्योंकि एच डेप्थ नीचे है तो लिक्विड भी इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा एच रोजी। तो रिजल्ट क्या बनेगा, जब एक बबल लिक्विड के इनसाइड है तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है, 2 सिग्मा/R, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा एक टर्म ऐड हो जाएगी एच रोजी। तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या बनेगी, 2 सिग्मा/R प्लस एच रोजी, और एक्सेस प्रेशर होता क्या है, पी इनसाइड माइनस पी एटमोस्फेरिक। तो इनसाइड का प्रेशर क्या आएगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस 2 सिग्मा/R प्लस एच रोजी। तो ये ऑप्शन आपने मार्क करके आना है, अगर आपके एग्जामिनेशन में आएगा, आएगा क्वेश्चन आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि एक्सेस प्रेशर कैसे पूछा जाएगा, तो ये आंसर आपने इसमें मार्क करना है।